निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल कल सरकार से हमारी वार्ता हुई और मीडिया के माध्यम से जो वार्ता चल रही थी सरकार मीडिया यही पूछ रही थी कि आपका मरीजों पे क्या असर पड़ेगा, तो हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारी जो ये हड़ताल है, जो भी हमारी मांगे हैं, इनका जनता पे कोई असर नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ सरकार से है और सरकार ही हमारी मांगे पूरी कर सकती है। हमारा किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा जनता से संबंधित नहीं है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए हम सरकार से एक बार फिर आपके माध्यम से ये बात भेजना चाहते हैं कि तुरंत हमारी मांगों पे सहमति बनाए ताकि आम जन को आगे कोई परेशानी नहीं हो और हम तुरंत से तुरंत काम पे वापस लौटने के लिए आए। आपका परिचय? डॉक्टर चेतन मेला, आरडी अजमेर। बहुत ही बेसिक मांगे हैं। मांगे क्या है? रहने के लिए जगह चाहिए, अगर जगह नहीं दे सकते हो तो किराया दे दो, इतनी सी तो मांग है। खाना पीने का शुद्ध पानी, और ये जो फीसें बढ़ाई है, फीसों को 1300 रुपये 2300 रुपये से बढ़ाकर सीधी 1,10,000 रुपये की गई है, 22 गुना फीस बढ़ा दी गई है। अगर बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि उसे यथावत रखा जाए और बढ़ानी है तो 10% बढ़ा लो, 20% बढ़ा लो, एक साथ 22 गुना कहाँ बढ़ाई जाती है? ये कहाँ का नियम है? तो बिल्कुल, आज भी इनकी स्ट्राइक जारी है, कार्य बहिष्कार जारी है और मांगे इनकी जायज़ है। सरकार को चाहिए कि वार्ता करके इनका समाधान निकाले, अन्यथा यहाँ पे जो है चिकित्सा की व्यवस्था ये बिल्कुल बेपटरी होती जा रही है। हालांकि अभी सीनियर रेजिडेंट्स, प्रोफेसर्स, APs सब ने मिलकर संभाल रखी है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये चल नहीं पाएगी। आपका नाम? राजेंद्र लामरोड।